नमस्कार दोस्तों, एक बुक है ये वाली, आप देख लो, सेलेक्टेड स्टोरीज़ बाय लियो टॉल्स्टॉय, जिससे जो है वो आप लाओत्सो के नाम से भी जो है वो सुनते हो। तो इसकी एक मीन्स ये अच्छे खासी लेंथ की, मतलब साइज़ की बुक है, देख सकते हो आप। तो ये मैंने जो है वो कोलकाता के ओल्ड बुक फेयर मार्केट से खरीदी थी, और यहाँ पे जो है वो लगभग 8-10 ऐसी कहानी दी गई हुई है जो कि नोवेल है और लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा जो है वो लिखी गई थी। उसमें जो फर्स्ट स्टोरी इसमें दी गई हुई है वो क्रुएज़र सोनाटा के नाम से है। ओके, थोड़ी सी हो सकती है मेरे प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो या फिर गलत भी हो, क्रुएज़र सोनाटा। तो ये चूँकि रसिया मॉस्को पीटर्सबर्ग साइड के जो है वो राइटर थे, तो वहाँ पे ऐसे ही लिखा जाता है। ओके, सो इसलिए जो है वो इसका जो है वो क्रक्स मैं आप सभी को देना चाहूँगा इस वीडियो में, और व्हाई यू शुड रीड दिस टाइप्स ऑफ बुक्स, इसका जो है वो एक आंसर मैं देना चाहूँगा। क्योंकि अगर आप ये बुक देखोगे तो अराउंड 1890s या फिर 1850s के बाद की बुक्स हैं। ओके, और अभी जो है वो आप 21st century में हो, देन व्हाई यू शुड स्टडी दिस टाइप ऑफ बुक्स। तो इसका जो है आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय की जो लोगों की मेंटेलिटी थी और जो अभी के लोगों की मेंटेलिटी है उसमें कितना डिफरेंसेस, पहली बात की पता चल रहा है, और बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। कहने को तो हम लगभग 150 साल से ज़्यादा हो चुका है इससे, लेकिन फिर भी जो है वो समाज में बहुत ज़्यादा बदलाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो लोगों की थिंकिंग है और इवन जो उस जगह की थी, ये चूँकि इंडिया की तो नहीं है, तो जो बाहर की जो है वो लोगों की मानसिकता है वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। और हाँ, कुछ मामले में तो ज़रूर अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम पूरी तरह से बदल गया हुआ है, क्योंकि इंसान तो एक ही है, इंसान का मन एक ही है। तो जो क्रुएज़र सोनाटा है इसमें कहानी डिपिक्ट करी गई है कि एक आदमी रहता है और मीन्स वो एक सच्चे प्रेमी की तलाश में रहता है, और उसे जो है वो एक अपने जैसी उसकी धारणा रहती है, इमेजिनेशन रहती है, वैसे ही एक लड़की मिल भी जाती है, जिससे जो है वो शादी ये सब भी वो आगे करता है, उससे बच्चे भी होते हैं। लेकिन बाद में जो है वो उसे पहले तो लगता है कि ठीक है, जो चाहिए था मुझे मिल गया, लेकिन बाद में इन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ, थोड़े सालों के बाद जब उसके बच्चे हो जाते हैं, फिर उसे जो है वो उसकी पत्नी शायद उससे खुश नहीं रहती है, और उस चीज़ को जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो एक म्यूज़िशियन को लाता है, जो कि म्यूज़िशियन उसके पत्नी को म्यूज़िक सिखाता है, वायलिन आई थिंक सो, कि वायलिन नहीं था, तो वायलिन सिखाता है। और फिर जो है वो उसे जो है ये चीज़ बहुत खटकती है, मीन्स उसे एक होता है ना जेलसी की भावना जो होती है, तो वो जेलस होता है कि जब उस वो म्यूज़िशियन को देखता है अपनी पत्नी के ज़्यादा करीब आते हुए, तो वो जो जेलसी है वो अभी भी के समय में भी आप देखोगे कि इंसान के मन में है। और जो इंसान को लगता है कि उसको चीज़ें सेटिस्फाई कर सकती है जीवन में, और जिसके पीछे वो भागता है, लेकिन वो उसे नहीं कर पाती हैं, और इसके बहुत ही पुअर और बैड सरकमस्टांसेस देखने को मिलते हैं। जब आपके पास एक छोटा सा जीवन रहता है, 50-70-80 या फिर कभी कभी उससे भी कम, और उसमें भी जो है वो आप अपना बहुत सारा समय इन सभी चीज़ों के पीछे लगा देते हो, और फिर बाद में अगर किसी को पता चलता है कि वो सारा वक्त बर्बाद किया, तो शायद लोग, कुछ लोगों को सीखने का वो भी एक जरिया है, गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि खुद से जीवन में अपना करके सीखते हैं, और कुछ लोग जो है वो दूसरों को देखकर सुनकर भी सीख जाते हैं। तो मैं दमन करने की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। तो लास्ट में जो है यही होता है कि वो एक दिन आता है, अपने बाहर कहीं गया रहता है, आउट ऑफ स्टेशन, वहाँ से आता है, और मॉर्निंग के समय में ही जो है वो अपनी वाइफ और उसके लवर को जो है वो मतलब जो म्यूज़िशियन था उसे मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं अभी के समय में, तो वो उसके लवर को जो है वो पाता है अपने रूम में, अपने घर में, और फिर जो है वो उसे मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो उसे भगा देती है, उसको भागने में मदद कर देती है, और
वो तो भाग जाता है, लेकिन फिर जो है वो जो पर्सन रहता है वो अपनी पत्नी को मार देता है, मीन्स नाइफ से स्टैब करके जो है वो उसे पूरी तरह से किल कर देता है। तो ऐसा जो है वो स्टोरी में डिपिक्ट किया गया हुआ है। और फिर जो है वो ये एक आदमी रहता है जो कि बहुत ओल्ड एज में ट्रैवल करते रहता है, तो एक दूसरे पर्सन बच्चे से सुनाते रहता है ये कहानी। तो इसको आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कुछ चीज़ें कि क्या ऐसी भी हो सकती है। और जी हाँ, ऐसी भी होती है दुनिया। ओके, तो इसलिए आपको पढ़ना चाहिए इसको। आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छी चीज़ें पता चलेंगे इसके बारे में। और इनका जो फिलॉसफी है वो जो उस समय के समकालीन कंटेम्प्ररी फिलॉसफर्स हो चुके थे उनसे जो है वो थोड़ी मोड़ी मिलती भी है, कुछ रिस्पेक्ट्स में कॉन्ट्राडिक्ट भी करती है। तो देखो, आप जब तक जो है वो दूसरों को या खुद को जानोगे नहीं, तब तक जो है वो आप किसी कंक्लूज़न पे नहीं पहुंच पाओगे। तो दूसरों की बातें बोल देना तो इजी होता है, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू परसेप्शन ही आपका फिलॉसफी होता है लाइफ का। क्योंकि हम जो दुनिया में अभी जी रहे हैं उसमें बाहरी चीज़ें तो आपको बहुत देखने को मिलती है, लेकिन आपका क्या अपना कुछ है या नहीं है वो भी मैटर करता है। और क्योंकि आपकी लाइफ की फ़िलॉसफी जो है, हर आदमी की अपनी लाइफ की एक फ़िलॉसफी होती है और उसी के अनुसार वो जीता भी है। तो आपकी लाइफ की फ़िलॉसफी कैसी होगी, जैसे लोगों से आप संपर्क में रहोगे, जैसे चीज़ों को आप देखोगे, जैसे चीज़ों को आप सुनोगे और जैसी चीज़ें आप करोगे, वैसे ही आपकी लाइफ का फ़िलॉसफी हो जाएगी, वैसा ही आपका दर्शन हो जाएगा। तो अगर अपना दर्शन उठाना चाहते हो, आप अपने दर्शन को एक ऊंचाई का आयाम देना चाहते हो, तो आपको जाननी पड़ेगी, आपको लोगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो आई होप कि आप जो है वो ये बुक पढ़ोगे, और हो सके तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप जो है वो इसे ऑनलाइन भी परचेज करके पढ़ सकते हो, या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी जाके पढ़ सकते हो। ऑनलाइन ई बुक्स भी होंगी, लेकिन मैं ई बुक्स नहीं प्रेफर करता, मैं हार्ड कॉपी ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हार्ड कॉपी जो है वो आइज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल रहती है। अभी तक तो मुझे क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो मैं इसलिए जो है वो नहीं चाहता कि क्लासेस की ज़रूरत पड़े, और इसलिए मैं हार्ड कॉपी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट कॉपी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आप जो है वो इस वीडियो को देखना, पढ़ना, बुक को पढ़ना, और अगर आपकी कोई राय होती है तो बताना। और इसके जो है वो नेक्स्ट कुछ स्टोरीज़ में पढ़ूंगा, उसके बारे में भी जो है वो मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा।